आचार संहिता, आचार संहिता, आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या होता है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट के एंड तक देखना। इलेक्शन की डेट आने से पहले कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर किया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स होते हैं जो सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष को फॉलो करने होते हैं। रूल नंबर वन, जब कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर होता है तब सत्ताधारी पक्ष को कौन सी भी नया प्रोग्राम या योजना जारी करने की परमिशन नहीं होती। नए उद्घाटन, भूमि पूजन जैसे प्रोग्राम करने की भी अनुमति नहीं होती। सरकारी गाड़ी, बंगला या हवाई जहाज का इस्तेमाल प्रचार करने के लिए करने की भी अनुमति नहीं होती। कौन से भी पक्ष को अगर रैली निकालनी हो तो उनको पहले पुलिस परमिशन लेना होगा। कौन से भी पक्ष को जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने की अथॉरिटी नहीं होती। किसी के भी घर के ऊपर झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने से पहले घर मालिक या संबंधित व्यक्ति से परमिशन लेना बहुत जरूरी है। वोटिंग के दिन दारू के दुकान भी बंद किए जाते हैं और वोटिंग के दिन किसी को पैसा बांटने की परमिशन नहीं होती और वोटिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे में कौन सा भी प्रचार करने की अनुमति नहीं होती। कोई भी पक्ष प्रचार समय खत्म होने के बाद अपना प्रचार नहीं कर सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद सारे पक्षों को ये रूल फॉलो करने होते हैं। अगर कोई पक्ष ये रूल फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना और ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लगातार देखने के लिए आज इस पेज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।